खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मसीह आवाज़ टीवी और मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में जरा मारा वाक्य की अपडेट्स लेकर आया हूं। कल सैटरडे था, कल एक बहुत बड़ा वफद लेकर हम जड़ावाला में पहुंचे, जो वफद नेशनल काउंसिल पीस एंड हारमोनी कमीशन पाकिस्तान और प्रेसबिटेरियन इकोमैनिज्म इंटरफेथ पीस एंड हारमोनी कमीशन प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के जानब से था। जब हम जड़ावाला पहुंचे तो यकीन जाने के जो कुछ हम टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज़ देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उन सारे नुकसान को देखकर दिल जो है वो उनके आंसू रो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी ट्रेजेडी मुस्लिमों के साथ नहीं हुई, बल्कि दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा स्याह दिन जो है वो देखने को मिला है कि एक ही दिन में तकरीबन 30 चर्चेस, खुदा के घर जो हैं वो उनकी बेहरमती की गई, उनको तोड़ा गया और बाइबल मुकद्दस की बेहरमती की और सैकड़ों लोगों को अपनी जान जो है वो भाग कर बचानी पड़ी। चंद एक तस्वीरें और वीडियोस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो दिल दहका देने वाली वीडियोस हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके घर सब लुट गए हैं, उनके चीज़ों को जला दिया गया है और चर्चेस को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो हथौड़ों से तोड़ा गया है और अब उनके पास एक प्याला पानी पीने के लिए भी दस्तयाब नहीं है। उनके पास गिलास, प्याला, चंगेर कुछ भी बचा नहीं है। उनके तन पर जो कपड़े हैं वही उनके पास हैं और ना उनके पास सोने के लिए चारपाई, ना उनके पास जो है वो खाने के लिए बर्तन, ना सोने के बिस्तर या पहनने के कपड़े, कुछ भी उनके पास नहीं है। इंटरफेथ का ये कमीशन का वफ्त लेकर जाने का मकसद वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शरीक होना और उनके खौफ को दूर करना। लेकिन जब हम ये वफ्द लेके गए तो उनके एहसास मिले जुले थे, डर भी था, खौफ भी था, परेशानी भी थी और वो बहुत ना उम्मीद नज़र आए। चंद एक तकारीरें आप सुनेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे जो हमने वहाँ पर की, लोगों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया और इस वफ्द ने जो है वो इस वाक्य को पुरजोर अल्फाज में जो है वो इसकी मजम्मत की। आइए इन वीडियोस को देखिए। नीचे आ। इधर से बुला था भाई।
तहसील है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो फैसलाबाद है। और चर्च का क्या नाम है सर? ये सालवेशन आर्मी का चर्च है। अच्छा जी सर, तो सर क्या नुकसान हुआ तुम्हें? बचा ही कुछ नहीं है जी। अच्छा क्या नुकसान जो हुआ है वो तो होना कि अगर कोई चीज़ बची हो, जो आप हालात देख रहे हैं कि बचा ही कुछ हो। पादरी साहब का कहने का ये मकसद है कि जब जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे अरबी की तलीम, मजहबी तलीम हम सबों को ये दी जाती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, जो कोई भी हो, उसे यहाँ पे मुल्क में रहते हुए इस्लामियात की क्लास लेनी पड़ती है। ये सारे हमारे दरमियान मौजूद है जी। पादरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हमारे पास कोई लफ्ज ही नहीं लेके जाने के लिए, लफ्ज खत्म कर दिए। क्या गए हम इस की गड़ी में? मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप हमारे की गड़ी में उतर के हमारे साथ जी। भाई साहब आप बोलो। मेरा नाम पादरी है, लाहौर से हम आए हैं जी सर, प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान। और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए अल्फाज कम है। और ये चर्च इतना ज़्यादा मजबूत तरीन चर्च है, जो इस चर्च के पासवान हैं मेजर मशूक साहब, उन्होंने बताया है कि उसको जिस बेदर्दी के साथ तोड़ा गया है वो दुनिया ने देखा है। हथौड़ों से जो है वो इस चर्च को तोड़ा गया है। और ये जो निसाब में पढ़ाया जाता था ना सोमनाथ का मंदिर, ये उसका तसलसल है। और हम मसीही कौम सरापा एहतजाज हैं, ना सिर्फ मसीही कौम, पाकिस्तान में दिल रखने वाले जो मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज हमारे साथ हैं। नेशनल काउंसिल पीस एंड हारमोनी का कमीशन खास तौर पर, और हमने जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी सुनी, हमारा दिल जो है वो खून के आंसू हो रहा है। और इन जालिमों को खुदा अकल दे, पाकिस्तानी कौम के पुरअमन कम्यूनिटी मसीहियों के साथ इन्होंने क्या किया है, जिसकी खिदमत जो है वो अपनी मिसाल आप है। और हमें तकरीरें करने नहीं बल्कि अपने भाइयों के साथ गुजारे की तहकी करने के लिए आए हैं। और इन सारे मनाजर को इनके बारे में सुना है, अपनी आंखों से देखने के लिए आए हैं, और इनके जख्मों में मरहम और इनके लिए दुआए ख्याल और मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आए हैं इस शहर में। अल्लाह तबारक व ताला खुदा ताला रहम करें इस मुल्क पर, इस मुल्क के रहने वाले लोगों पर। ये मसीह बस्तियां नहीं जली, ये मसीहों के छत नहीं जले, ये पाकिस्तान जला है। और पाकिस्तान ही नहीं जला, पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर गैरतमंद और मुहब्बे वतन शहरी, जिनकी तादाद कमों बेश 24 करोड़ है, वो 24 जी बेटा,